नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज BSc पार्ट थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम आज सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हमने पहले कहा था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव रीजन के अंदर है, जिसमें हमने रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम क्वांटम के इस पार्ट में रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, परमिशनल ट्रांजिशन होते हैं रिजिड रोटेटर के, वो एंगुलर डिफरेंस होता है उसका एंगुलर नंबर का 1 का, जिसे हम सेलेक्शन रूल के द्वारा J " - J' = δJ, इस डेल्टा जे जो कि प्लस माइनस में हो सकता है, तो इस तरह से ट्रांजिशंस होते हैं किसमें, रोटेशनल के, तो रिजिड रोटेटर में परमिशेबल ट्रांजिशन। अब इसमें दो तरह के हो सकते हैं साहब, एक नेगेटिव साइन होता है जो इंडिकेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, वेयर द नेगेटिव साइन है वो इमिशन करता है, मैंने पॉजिटिव में इमिशन कह दिया था, वो इमिशन नहीं एब्जॉर्प्शन है, तो पॉजिटिव के अंदर हम जो है वो एब्जॉर्प्शन कहेंगे और नेगेटिव को हम कहेंगे इमिशन। तो अब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में चलते हैं। नॉर्मली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑकर्स एट δJ = +1। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन होता है स्पेक्ट्रा ऑकर δJ = 2। लेट अस सपोज द ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम J to J1, देन रोटेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेव नंबर, देन फ्रीक्वेंसी कम्स टू वेव नंबर J to J+1 = BJ+1 J+2 - BJ J+1। ये डिफरेंट स्टेज में जो इसका जब सॉल्यूशन निकल के आता है तो वो निकल के आता है हमारा BJ J+2। इस BJ J+2 को हम फ्रीक्वेंसी में रख सकते हैं जो हमारी वेव नंबर है उसके अंदर J to J+1 2BJ+1 cm - inverse, ये वेव नंबर में है। सिमिलरली इसमें J डैश को जीरो रख सकते हैं, J" को 1 रख सकते हैं, और जो वेव नंबर है 2B J1 J2 4B J2 2 6B। इस तरह से ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, रोटेशन एंगुलर क्वांटम नंबर J, जिसको हम J से डिनोट करते हैं रोटेशन नंबर जिसको। अब इट सीम्स फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रोटेशन लाइंस इज 2B cm inverse, विच शोज दैट वेव नंबर J to J+1 2J+1 B cm inverse J 0 1 2 3 etc, सो द वेव नंबर इज 2B। नाउ अब हम रोटेशन एनर्जी और जो इनकी स्ट्रेंथ है उसके बीच देते हैं, तो देखिए इसके अंदर स्पेस लाइन है जीरो, ये जीरो है, इस जीरो से हम 0 से 1 2 3 ये हमारी जे वैल्यूज़ हैं 6 तक। अब हमने कहा टू, देखिए 2J+1 जीरो से हमने इसको करते हैं, तो इन सब के अंदर 2B डिफरेंस 2B का है, 4B 6B 6B 20 हो जाएगी, 8B हो जाएगा इसमें ऐड, 30 हो जाएगा 10B। तो इस तरह से रोटेशन एनर्जी को हमने पुट किया, तो ये रोटेशन स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का है। अब इसके अंदर हमने ये देखा कि भाई जो वेव नंबर है ये हमारा 2B है, यानी डिफरेंस B में होगा, J का वैल्यू 0 1 2 3 जाएगा, जो कि हमने फ्रीक्वेंसी नंबर इससे इक्वेट किया है, ये रिजिड रोटेटर के लिए था। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइंस, इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइंस। स्पेक्ट्रम लाइंस ऑब्टेन इन रोटेशन स्पेक्ट्रा डू नॉट हैव द सेम इंटेंसिटी, जो उसका स्पेक्ट्रम होता है वो सेम इंटेंसिटी का नहीं होता। द इंटेंसिटेड मॉलिक्यूल्स एज डेंसिटी इंक्रीजेस फर्स्ट मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, सो जे द इंटेंसिटी ऑफ जे वैल्यू
मैक्सिमम इज शोन बाय जे मैक्सिमम, और जे मैक्सिमम रिप्रेजेंट करते हैं हम जे मैक्सिमम के टी टू बी एच सी माइनस हाफ, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, बी इक्वल्स टू एच अपॉन पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स, एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी जो मैग्नीम इंटेंसिटी, जब रिलेटिव इंटेंसिटी जे के बीच हमने रोटेशन क्वांटम नंबर के बीच देखा, तो ये मैक्सिमम, देखिए ये जो मैक्सिमम है वो बीच में आती है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ जे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो ये रिलेटिव इंटेंसिटी है इसकी। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइन स्पेक्ट्रम लाइट्स। अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट में हमारा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कैसे डिटरमाइन करें, देखिए सिंस रोटेशन स्पेक्ट्रम लाइंस आर इक्विडिस्टेंस, स्पेक्ट्रम लाइंस इक्विडिस्टेंस है। देखिए आपने कहाँ देखा था इक्विडिस्टेंस, हमने यहाँ देखा था, ये देखिए सारी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी इक्विडिस्टेंस थी, दे आर इक्विडिस्टेंस। सो द स्पेक्ट्रम लाइंस आर इक्विडिस्टेंस, सो देयर फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइंड, उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्टेंस आर बिटवीन द टू एटम्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड द नोन वेव नंबर जे रोटेशनल नंबर टू जे प्लस वन टू बी जे प्लस वन सेंटीमीटर, ये हमारा फार्मूला है। रोटेशनल कॉन्स्टेंट बी, बी कितना आ गया एच 8π² आई सी सेंटीमीटर इनवर्स, आई अगर आई ले लेते हैं तो एच 8π² बी सी सेंटीमीटर इनवर्स, आई म्यू आर स्क्वायर, आर निकालेंगे तो आई अपॉन म्यू हाफ, अब म्यू है रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल म्यू वन एम वन एम टू एम वन प्लस एम थ्री। तो इसे हम इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड डिटरमिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो हमने इसके अंदर अभी पढ़ा बॉन्ड लेंथ, तो हम एक बार पुनः इसको एक बार देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा सेलेक्शन रूल, सेलेक्शन रूल क्वांटम मैकेनिक्स में, इसमें रोटेशनल क्वांटम नंबर से देखेंगे जे डैश टू जे माइनस डेल्टा जे प्लस माइनस वन, तो ये सेलेक्शन रूल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द सेलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रिजिड रोटेटर के लिए बताइए, तो इसमें हम ये कह सकते हैं जे प्लस वन, अब प्लस और माइनस का हमने बताया, प्लस मतलब एब्जॉर्प्शन, माइनस मीन्स एमिशन, और इसका वैल्यू जब जे 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 टू जे प्लस वन से निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमारे निकल के आता है जो वेव नंबर से टू बी जे प्लस वन। इसके बाद हमने इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस देखी, रोटेशन एनर्जी के वर्सेस देखा कि जो लाइन की इंटेंसिटी है वो इक्वल है। दूसरा हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि हमने इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में देखा कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो पहले ये इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। फिर हमने इसका बॉन्ड लेंथ का पढ़ा, बॉन्ड लेंथ के अंदर इसके हमने फार्मूला निकाला जो कि हमारा इसका आई बी इक्वल्स टू एच अपॉन 8π² आई सी, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर होता है, म्यू रिड्यूस मास है, आर का वैल्यू निकल जाएगा इससे, इस तरह से हमें बॉन्ड लेंथ निकल जाएगी। तो आज हमने इस चैप्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, नेक्स्ट कल हम उसमें कुछ और टॉपिक्स लेंगे। धन्यवाद।